खातून ने अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान को करप्शन से जोड़कर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जबकि फराह खान ने अफवाहों की तरदीद कर दी। मरियम नवाज ने पहली मरतबा 6 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम बनीगाला पर लगाया है। मरियम नवाज का कहना है फराह खान नामी खातून के ताने बाने खातून अव्वल से मिलते हैं। एक खातून है जिनका नाम है फराह, सारी दुनिया जानती है मगर नाम आज तक किसी ने नहीं लिया, मैं उसका नाम ले रही हूँ। फराह के सारे ताने बाने बनीगाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर और कोई तब्दीली करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होती और वो ताने बाने सारे के सारे इमरान खान के घर से मिलते हैं। ख्याल रहे कि फराह खान खातून अव्वल की इंतहाई करीबी दोस्त हैं। जब इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी हुई थी तो इस वक्त फराह खान इन गिनती के चंद लोगों में शामिल थी जो निगाह की तकरीब मौजूद थे। अपने एक बयान में फराह खान ने कहा, झूठ पर मबनी व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए वजीर आजम और खातून अव्वल के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खातून अव्वल मेरे घर कतई कयाम पजीर नहीं और बनीगाला इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मौवन खसूसी इससे पहले वादे कर चुके हैं कि खातून अव्वल एक साल में सिर्फ एक हफ्ते के लिए लाहौर गई थी और प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि फराह खान ने खातून अव्वल के बारे में अफवाहें उड़ाने वालों को पैगाम देते हुए कहा, सियासत में इतने नीचे नहीं गिरना चाहिए कि लोगों की जाती जिंदगियों पर झूठ बोले जाएं।